जंग के बीच आज हिजबुल्ला चीफ का होगा संबोधन। इसराइल युद्ध के बीच हिजबुल्ला चीफ के संबोधन पर इसराइल और अमेरिका की नजर। आज साफ होगा हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ जंग में उतरेगा या नहीं। इसराइल के खिलाफ युद्ध में उतरेगा इराक में मौजूद ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप। सीरिया से भी ईरानी समर्थित लड़ाके हिजबुल्ला का साथ देने लेबनान जाएंगे। दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित दिन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 7470 के पार पहुंचने से हवा का स्तर खतरनाक। सांस लेना हुआ मुश्किल। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम का भी बुरा हाल। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित खाद्य कार्यक्रम में 80 देशों से लोग शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे संकल्प पत्र। छत्तीसगढ़ को मजबूत प्रशासन देने के वायदे के साथ पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में ईडी की रेड। चीफ इंजीनियर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के ठिकानों समेत राज्य में 24 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली में मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर 22 घंटे तक चली ईडी की रेड। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कई दस्तावेजों की पड़ताल की गई। वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत। श्रीलंका को 302 रनों से रौंद कर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। जंग से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब हमास इजराइल जंग के नए आयाम खुलने लगे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इराक में अमेरिकी सैनिकों के बेस पर बड़ा हमला हुआ है। देखिए यूएस ट्रुप के बेस हाउसिंग पर हमले की खबर है, यानी कि इराक में जिस जगह अमेरिका सैनिकों की तैनाती है वहां पर हमले की बात सामने आ रही है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि हमला आखिर ये किसने किया है, लेकिन यूएस के बेस पर ये एक बड़े अटैक की खबर आ रही है। तो अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इराक में अमेरिकी सेना के बेस पर यह हमला किया गया। इजराइल का युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अब ना तो सीज फायर की उम्मीद बाकी रह गई है और ना ही हमास के पीछे हटने की।